मतलब जो हमारे लिंक्स हैं, तो लिंक के बारे में थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि आप लोगों ने देख भी लिया है कि तीन तरीके के हमारे लिंक आए हैं, जो कि है ऑन पैसिव लिंक है, प्रमोशनल वीडियो लिंक है और हमारा माई एफिलेट है। और उसके साथ ही हमारा ओईएस का जो हम लोग इतने दिन से यूज कर रहे हैं लिंक, वो यानी हमारे पास कुल मिलाकर चार लिंक्स हैं अभी। और चार लिंक में क्या फर्क है कि कौन सा किस तरीके से काम करने वाला है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ओईएस का लिंक जो है वो, और ऑन पैसिव का लिंक और जो माई एफिलेट लिंक है, वो तीनों लिंक सेम है, एक ही है और एक ही तरीके से एक ही लिंक्स हैं। और जो हमारा जो प्रमोशनल वीडियो लिंक है, वो हमारा हमारे इन तीन लिंकों से कोडेड रहने वाला है, यानी आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, ओ कनेक्ट में भी हमारे फीचर्स आएंगे, ओ मेल में भी फीचर्स आएंगे, तो और भी न्यू न्यू वीडियोस आते रहेंगे, ओ नेट भी आएगा, ओ ट्रैकर भी आएगा, ओ डेस्क भी आएगा, जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें न्यू फीचर्स ऐड होते जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड हमारे वीडियोस इसमें एड ऑन होते चले जाएंगे प्रमोशनल वीडियोस में। तो आगे आने वाले टाइम में हम किसी भी कस्टमर को बहुत इजीली दे सकते हैं। हम किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं या किसी कॉलेजेस में जाते हैं, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग बहुत प्रोफेशनली तरीके से इन वीडियोस के जरिए अपनी बात को रख पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को रख पाएंगे। अब ये जो हमारे तीन लिंक हैं जिनके बारे में मैंने बोला कि तीनों सेम है, तो ओईएस, ऑन पैसिव और माई एफिलेट, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि ओ यस हम ऑन पैसिव किस लिंक से अगर हम लोग करें, कस्टमर को जोड़े, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, या फिर प्रमोशनल वीडियो लिंक के जरिए। उसका रीजन है कि ऑन पैसिव जो है, ऑन पैसिव में जब हम साइट का लिंक देंगे, तो क्या होता है कि जब हम वो देंगे तो हमारा कस्टमर जाएगा, हमारी साइट को देगा, देखेगा और अट्रैक्ट होगा, उसको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, वैल्यू पता लगेगी, क्वालिटी पता लगेगी। और दूसरा, प्रमोशनल वीडियोस के अगर हम लिंक को देते हैं, तो वो लिंक्स वीडियोस आपने ऑलरेडी देखे हैं कि ओ मेल का मैंने वीडियो देखा, कितना ब्यूटीफुल बनाया है, तो वो अपने आप में इफेक्ट डालने वाला है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज, चार लिंक थे हमारे पास, चारों लिंक का हमने फर्क बता दिया। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि हमारा जो लिंक है, ये लिंक ऑलरेडी पता बताया जा रहा है इसके बारे में कि हमें किसी को इनवाइट करना हो तो उसके लिए बहुत सही तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं, और देखने में अच्छा लगता है कि इम्प्रेसिव लगता है कि आप वीडियो के सामने से, हमारी जो लेविश जो कार का हमारा परेड हुई थी, ये कार का किसी को वीडियो भेजो तो लोग कहेंगे ये क्या है भाई, ऐसे पूछेंगे सिंपली ये क्या है। अब जिसके बोलो कि ज्वाइन आओ देखो, उसमें करके ज्वाइन करके देखो क्या है इसमें। सबसे मेन चीज ये है कि अभी यहाँ पे किसी का भी कुछ पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है, कोई पैकेट नहीं जा रहा, फ्री में बहुत सारे लोग होते हैं, यही ऑन पैसे का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फ्री प्रोडक्ट रखे गए हैं। और ये मेन चीज है कि फ्री में हर कोई यहाँ पे आना चाहता है। डेफिनेटली किसी के ईमेल आईडी ही लग रही है, कुछ पैसा नहीं जा रहा है, किसी कुछ भी नहीं जा रहा, उसके बीच उसके बाद बदले में उसको अगर तीन प्रोडक्ट, हमारे ओ नेट, ओ ट्रिम और ओ मेल, ये तीन प्रोडक्ट उसको लाइफ टाइम के लिए मिल रहे हैं, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें वो नहीं करेगा, ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि ज्वाइन करने में कुछ जाता रहा नहीं है उसका, सिर्फ ईमेल आईडी जा रही है, व्हाटएवर उसके बाद वो करता है नहीं करता है। तो लोगों को ये यही बोलो, किसी को अगर करना हो, शेयर करना हो, आज ज्वाइन कर लो, उसमें करके छोड़ दो, जो करना हो नहीं करना हो, लेकिन कल की डेट में आप इसको और अगर अर्न करना चाहते हैं तो अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये है, कल से मेरे पे ये क्वेश्चन आ रहा, सर अगर रीसेलर जो हमारा एफिलिएट है, एफिलिएट अगर लिंक शेयर करेगा तो उसको और फाउंडर में क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, उसको और फाउंडर में क्या डिफरेंस होगा। देखिए, उसको और फाउंडर में हमेशा डिफरेंस रहेगा, लाइफ टाइम डिफरेंस रहेगा। हम फाउंडर हैं, हम लोग हमेशा टॉप पे रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोगों को एक्स्ट्रा जो बोनसेस वगैरह हैं किस तरीके से मिलेंगे, अभी जैसे आपने सुना है कि एंगेजमेंट बोनस सुना है, या किसी को लिंक शेयर का बोनस सुना है, और ऐसे हमारे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो जो हमें जो आएगा, मे बी कुछ कमीशन में भी कुछ डिफरेंस हो सकता है कि जो रीसेलर जो एफिलेट है, एफिलेट का कमीशन रहेगा, वो समथिंग कुछ डिफरेंट हो सकता है, और यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो सकता है, इसके बारे में मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मे बी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि फाउंडर इज डिफरेंट। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर अगर जो एफिलेट है, एफिलेट किस तरीके से अर्निंग, तो सिंपल सा चीज है कि अर्निंग जो मैंने बताया था उनको, मैंने कहा अर्निंग इस तरीके से हो सकती है उसकी, कि सबसे पहले तो अपना एफिलेट लिंक, एफिलेट बन जाएगा, वो अपना लिंक शेयर करेगा, नीचे लाके किसी को ऐड करेगा, ऐड करेगा, अगर वो प्रोडक्ट बाय करेगा,
अगर सब आपको तो प्रोडक्ट बाय करना ही है, अगर किसी को रीसेल करना है तो ऑब्वियसली उसे बाय करना पड़ेगा। आपने प्रोडक्ट बाय किया, अगर जो आपके नीचे जितने भी कस्टमर आप लेके आ रहे हैं वो अगर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसका कमीशन डायरेक्ट आपके उसमें आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि जो हमारे एफिलिएट है उनके लिए भी हमारा कंपनी प्रोडक्ट वो देगी, ट्रैफिक पैकेज देगी, वो भी ट्रैफिक पैकेज बाय कर सकते हैं, अगर बाय करेंगे तो उनको भी ये मिलेगा। फिर जो जो एक उनका क्वेश्चन था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि मतलब एग्जैक्टली ये सुनना चाह रहे थे, जो कंपनी हमारे लिए मार्केटिंग करेगी वो कंपनी फाउंडर के लिए स्पेशली मार्केटिंग करेगी, वो उस टाइप के जो मार्केटिंग, अगर हम कोई ट्रैफिक पैकेज नहीं करते, हम सिर्फ एक अपना वो कनेक्ट पैकेज बाय करते हैं, तो कंपनी हमारे हम फाउंडर अगर फाउंडिंग मेंबर है तो फाउंडिंग मेंबर के लिए ट्रैफिक लाके देगी, ठीक है। लेकिन जो जो एफिलिएट है, एफिलिएट के लिए कंपनी इस तरीके से लाके नहीं देगी, अगर वो प्रोडक्ट पैकेज बाय करेंगे तो डेफिनेटली उनको आएगा। तो एक तो आपको सिंपल एक ये दो तीन डिफरेंस यहाँ मिल गए, तो इसमें कोई पैनिक मत होइए कि ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग सोच रहे कि हम रीसेलर भी अगर हमारे बराबर होंगे तो हम इतने टाइम से है तो हमारे इसमें क्या फायदा होगा। तो आप रीसेल जो रीसेलर कह रहा हूँ, आई मीन एफिलिएट जो है वो तो पूरे वर्ल्ड भी कोई भी रह सकता है, लेकिन फाउंडर जो हमारे 1.4 मिलियन है ये यही रहेंगे, ये ना कभी चेंज होंगे, कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे कभी नहीं इसमें से। तो एक तो ये यहाँ पे है, तो हमारे से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लिंक शेयर के बाद एक जो दूसरा है, हम टेम्पलेट लिंक, हम टेम्पलेट भी हम शेयर कर सकते हैं, जो कि अभी वो भी नया फीचर आया है, बहुत ही सही है। उसमें भी क्या है, आप जो आप स्टार्टिंग में जो आपका लिंक है डैशबोर्ड में जाएंगे, ऊपर माय एफिलिएट लिंक है, उस एफिलिएट लिंक पे सेंड इनवाइट करके जो आपका बटन है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इनवाइट टाइप और दिखाई देगा वहां पे इनवाइट टाइप, यानी कि आप उसको आप वीडियो एक टेम्पलेट मतलब एक डॉक्यूमेंट समथिंग कुछ लिखा होगा, जैसे कि हाय दिस इज आई एम, ये लिखा होगा आई एम मुकेश एंड आई एम सेंडिंग दिस वीडियो, व्हाट एवर जो भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, तो ये कंपनी ने ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। आपने आप उसको अगर आप टेम्पलेट भेजना चाहते हैं इन्विटेशन टेम्पलेट, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे ये वाला पसंद, ठीक है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपका सेट हो जाएगा उसमें। उसके बाद जो करने के बाद आपका प्रोडक्ट के बारे में है इसमें कि हम कितने प्रोडक्ट में से वो कर सकते हैं, इसमें हम मेल के लिए कर सकते हैं या फिर हम उसके लिए अपना ओ क्रेट के लिए ओ मेल के लिए, ठीक है। जो टेम्पलेट है वो तो आपका रहेगा नॉर्मल कॉमन है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जो वीडियो है आपका डिफरेंस रहेगा, वीडियो टेम्पलेट वो आपका ओ मेल और ओ क्रेट दो के लिए दिया गया है। जैसे जैसे हमारे इसमें प्रोडक्ट आएंगे वो प्रोडक्ट हमारे इसमें एड होते रहेंगे, जो जहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट एक ऑप्शन आएगा वहां पे, तो वहां पे आप ओ मेल है, अभी ओ मेल ओ क्रेट आ रहा है। इनविटेशन टाइप में आपने वीडियो टेम्पलेट सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट टाइप में आपने ओ मेल या ओ नेट में से कोई भी सेलेक्ट किया, वो वीडियो आ जाएगा आपको। और नीचे इसमें ऑप्शन आता है हमारा ओ मेल, सॉरी नीचे हमारा ऑप्शन आएगा इसमें ईमेल आईडी डालने का, तो जो ईमेल आईडी हमारे डालेंगे उसमें ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी वहां पर डाल के आप सेंड पे क्लिक कर देंगे, तो अगर आपने वीडियो टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो वो उस ईमेल आईडी पे वो वीडियो टेम्पलेट चला जाएगा, उसको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद जिस तरीके से हमारा जो ये आ रहा था ना यहाँ पे, हम वीडियो इनविटेशन जो मेल आ रहा है नीचे हमारे माय लिंक पे, उस तरीके का वीडियो वो जाएगा उसके पास, वो वीडियो चेक करेगा, देखेगा, खोलेगा, नीचे ज्वाइन का आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करेगा तो आपके अंडर वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दो चीज यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे आए हैं। होपफुली आपको एफिलिएट लिंक इन्विटेशन का ये जो सारा प्रोसेस है पता लग गया होगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लोग कहेंगे कि आप लोग जब सुनते हैं साथ, तब तक आप लोगों को सुनकर भी समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर आप कहीं फंसेंगे तो क्वेश्चन आएंगे, और फिर आप उसको क्लियर करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। और इसके बाद जितने भी ये हमारे टेम्पलेट्स आए हैं, आप ये कर चलिए या ये प्रमोशनल वीडियोस आई हैं, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली हैं, जो कि शायद हम अपने मुंह से नहीं बता पाते या हमारे पास इतनी, हम इन चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए कंपनी ने बहुत अच्छा कुछ सोचा है फाउंडर्स के लिए, तो आने वाले टाइम में हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत ईजी तरीके से हमारे पास सामने आ रही है। और ओ कनेक्ट पर भी आपने देखा है कि सब्सक्रिप्शन की जो है वो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, और जल्दी ही वहां पर पैकेज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस वीक में शायद कोई वेबिनार हो जाए, तो जब वेबिनार होगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पैकेज के बारे में जरूर बताया जाएगा। बट हमारा इतना माइंड मेकअप है कि 100 के अंदर अंदर हमारा, $100 के अंदर अंदर हमारा पैकेज रहने वाला है, तो उस तरीके से हम लोग